मेरे से बहुत बहुत बड़ा तो दानी है, खिदमत करवाला है, लेकिन मैं एक एहसान मानू हूँ कि मैंने भी काम के लिए चुने है। कोई की खिदमत नहीं करे है तो बिकी नमाज रोजा सब बेकार है। तुम बड़ो कोई धर्म? हाँ, जो हिंदू धर्म है मेरा भाई है, बाकी संस्कृति भी अच्छी तरह से समझू कि प्यार मोहब्बत है। राम राम साह, मैं हूँ थारो मित्र मुकेश और थे देख रहा हो जलको सिकर। जलको सिकर के ऊपर है जो थोड़ा दिन पहले एक है जो वीडियो आयो कोलिडा गांव से हो भी मैं है जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा है जो मंदिर खातर है जो आपकी कब्रिस्तान की भूमि है जगह दान में दी गई। इसी ही है जो आज मैं एक वकाया थाना और दिखा वाला हूँ। अभी मैं नीमका थाना के गुहाला ग्राम पंचायत में पहुँचा हूँ। अठे एक है जो भाई साहब है मोहम्मद इशराक अंगो नाम है। है जो विकलांग विधवा अनाथ है जगह महिलाओं की हेल्प करने लग रहे हैं। आज आप आंगन पहुँचे हाँ, वहाँ से बातचीत करके देखांगा कि आंगो मैन मुख्य उद्देश्य क्या है, इनको बढ़ाने को मुख्य मैन उद्देश्य क्या हो थारो? पहले मैं आपको तहे दिल से स्वागत करूँ हूँ कि जो मेरा उद्देश्य है इंसानियत और जीव जंतु के प्रति प्रेम मोहब्बत, साथ ही आपके प्रति रहम बरत करके और आपन की खिदमत करा, सेवा करा और आने करके ही आप ईश्वर ने खुश कर सका जा और एक खुश करके ही आप जो जन्नत है स्वर्ग है भी की उम्मीद कर सका हाँ कि मालिक आपने दे सके। सबसे पहले आप हम बात करा तो थे निवासी खटा गाँव? जी, मेरे पैतृक गांव कांवट है। अच्छा। और मैं एक हिंदू संस्कृति जो भारतीय संस्कृति क्या आप विश्व में जुड़ेड़ हूँ कि मेरे जो घर है मैं बामई बड़ो हूँ, एक तरफ ब्राह्मण एक तरफ स्वामी एक तरफ मीणा और बीच हमारा घर रिया है। जो हिंदू धर्म है मेरा भाई है, बाकी संस्कृति भी अच्छी तरह से समझूँ कि प्यार मोहब्बत है। तुम बड़ो कोई धर्म? हाँ, इंसानियत से बड़ो धर्म कुनू या करे और साथ ही हिंदू धर्म में भी कितनी अच्छाई है और मुस्लिम धर्म में भी कितनी अच्छाई है और ये सब एक ही चीज़ सिखा हुआ है कि आपा चाहे बेवा है चाहे अनाथ है या मान लो विकलांग दिव्यांग जो भी है और साथ में जितना भी जीव है आके आपा सेवा करा खिदमत करा और भी कहीं द्वारा चाहे मुस्लिम धर्म भी इस कुरान के द्वारा भी आपने यही मैसेज मिला है और गीता रामायण और हिंदू संस्कृति के द्वारा भी आपने यही ज्ञान है कि ईश्वर की प्राप्ति आप आके खिदमत कर कर ही प्राप्त कर सका हूँ। दोनों धर्मों से जो मैं सीखे उन्हें मैं सीख करके मैं चाहूँ कि मेरा चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई है एक दूसरा सब एक दूसरा की मदद करे खिदमत करे और साथ ही चाहे जितना भी चाहे गाय हो चाहे जीव जितना भी जंतु है चाहे कुत्ता बिल्ली जो भी यानी ईश्वर की देन है और आपा भी हाँ आके सबकी आपा खिदमत करा और मिलजुल कर करा जी की बदौलत आपा अपना जो भारत देश है भी को नाम ऊँचो है और जो सृष्टि ने आपा बचा सका। हिंदू धर्म का जगह लोग है वह गाय ने माता मान्या करे सुनने में आवा लोगों को यहाँ के थे जगह गायें हैं बाकी सेवा करया करो गाय ने पालिया भी करया करो घर में। पहले से मेरा बाप दादा भी गाय घर ने पालिया करे लेकिन अठे ग्वाला में मैं आयो न जब जो मेरा हिंदू भाई है बांसुई प्रेरित होकर के जय मैं गो रक्षक दल से भी जुड़ रहा एक गो सेवक हूँ मैं। अच्छा। जो मेरा बड़ा भाई हिंदू भाई बांसु में प्रेरित तो मेरे से भी ज़्यादा करवाला है। तो आप यहाँ कैसे कहाँ का गुहाला मैंने पहले इशू कोई मुस्लिम समुदाय को भाई है अपनों जो को गो रक्षक दल जुड़ है? हाँ हाँ, मैं मेरा मानव है और बाकी गो सेवा की बात करा तो मैं एक शायद एक जनाब है किरोड़ली का जो 200 गाय की गौशाला भी चलाया करे है। अच्छा। कि या मेरे लिए कदे भी है या आठ कोने कि मैं एक मुस्लिम हूँ तो गो सेवा कौन करूँ। हाँ, या एक मैं आपने बता बचाऊँ कि कुरान की एक बात यानी कि वाक्य है हमारे जो प्रोफिट मोहम्मद साहब है पैगम्बर मोहम्मद साहब तो बाका दौर के अंदर एक औरत थी तो वह औरत यानी पांचों टाइम नमाज ही पढ़ती रोजा भी रखती। अच्छा। लेकिन एक अपना घर के अंदर एक बिल्ली रखती बा। अच्छा। जो एक जीव हो यानी जीव जो भी है ना वो मालिक की ईश्वर की देन है या यानी कि भी बिल्ली ने ना वा एक बार यहाँ करी कि बिकी खिदमत कौन बांध तो ली। हाँ। लेकिन बिकी सेवा कौन करी बा। अच्छा। नमाज भी पढ़ती। हाँ। रोजा भी रखती लेकिन मालिक यह कह कि मेरी जितनी भी मखलूक प्रजाति बनाई है मेरी ही देना आप आकी सेवा करो। औरत ने जब यानी दुनिया से जाबा के बाद में तो बी की बिन देखा ना तो जहनुम में देखा। अब बोलो आप बताओ कि एक औरत जो पांचों टाइम नमाज ही पढ़े रोज़ा भी रखे लेकिन अगर वह कोई जीव के प्रति नरम नहीं रहे कोई की खिदमत नहीं करे है तो बिकी नमाज रोजा सब बेकार है। सरकार है जो को बहुत सी है जो की योजना चला रखी है जो की विधवा महिला है
जका विकलांग बच्चा है, जका अनाथ बच्चा है, बाहर अलग अलग प्रकार की पेंशनर है, तो थारा ई मित्र पर आवता होगा ऐसा लोग जरूरतमंद। ई काम ने भी जो मेरे रोजगार से शुरुआत करी थी, मैं ये सोचो कि जो रोजगार ना अपना सेवा को माध्यम भी बनावा। कमाई दे वाला तो अपने बहुत आवे दिन कमाने, लेकिन मैं दुखी लोग देखे ने कि कुछ बेवा लोग है जहाँ के आगे पीछे कोई रे कोन्या, कार्यालय तक जावा तक घूम फिर कुन सके, अनपढ़ होबा की वजह से कुछ कागजा को नॉलेज भी कुन है, जी की वजह से भी जो राज्य सरकार की जितनी भी या केंद्र सरकार की योजना है पेंशन के द्वारा बने 750,000 जो भी रुपया मिले, और साथ में वागा बच्चा ने पढ़वा के लिए 1,000 रुपया पढ़वा के लिए पालनहार का जाए, कोई महिला के दो बच्चा है तो बिना पर मंथ 2,000 रुपया मिला पर मंथ। छोटी सी उम्र के मैंने मेरा चाचा जी कैंसर से ये दुनिया से रुखसत होगा, जो मेरे से लगभग 2 महीना छोटा है, और एक चाचा जी मेरा 4-5 साल बड़ा है, तो बांसु भी प्रेरित होकर कि मैं यह चाहूँ कि मेरी चाची परेशान होती ही, और भी तो लोग हैं परेशान, तो लोग हैं पता है भाई परेशान होते हैं, एक कटिया से तो कमाई लैसी और कटे घूमती डोलसी, यानी कि बहुत सी औरता ही, तो जो जो तकलीफ मैं मेरा घर का महसूस नहीं करूँ, तो ये जितना भी चाहे कितना भी हो, चाहे हिंदू भैया कोई भी समुदाय है, ये सब मेरा घर का ही समझू कि ये सब मेरी माता बहना ही, जड़ा तक मैं जो चीज जानू हूँ बाकी कंप्यूटर के द्वारा ई मित्र के द्वारा करके भी दूँ, और जी की जरूरत पड़े कोई अधिकारी के द्वारा या कोई कार्यालय में जाकर के मैंने सहयोग करना पड़े। विकलांग कार्यालय में भी जागे थे सहयोग करो। हाँ हाँ, जय कोई ना मुश्किल आ जाए ना कि भाई मेरे विकलांग सर्टिफिकेट कौन, मैं जा भी कौन सकूँ, मेरे को ना इनकी व्यवस्था कौन है, मैंने कुछ भी नॉलेज कौन है, मेरे साथ कोई जावाड़ो कौन है, जड़ा तक मैं जाकर भी सहयोग करवा की कोशिश करूँ हूँ। मतलब तिरंगे की जगह तिरंगो है जो वो उपहार में देने लग रहे हैं, खटू मनमाई धारा है क्या कभी आप तिरंगो है जो उपहार में देवा। मेरा एक उद्देश्य हो कि मैं भी एक एन की पहल चलाऊं जी ना आप पूरा देश ने संगठित कर सका, जी झंडा की आप इज्जत करा, जी झंडा का नीचे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब कौम इकी बदौलती है, इकी बदौलती आप आज़ादी हासिल करा। तो मैं जटे मैंने निमंत्रण मिला और मैं थोड़ी लेट तक रुकूँ, जब मैं स्टेज प्रोग्राम हुए चाहे हिंदू को है चाहे मुसलमान भाई को है, बट मैं यही कोशिश करूँ हूँ कि दूल्हा दुल्हन ने तिरंगो भेंट कर जाए और मैंने ई एकता का सूत्र में बांधवा की प्रेरणा दी जाए, तो आज सबसे मजबूत देश आपनो, क्योंकि 125 करोड़ का जी के अंदर भाती बात हर 15 किलोमीटर बाद भाषा भी चेंज हुए, हर 15 किलोमीटर बाद पैराण भी चेंज हुए, कि ये बहुत संस्कृतियाँ ने बहुत धर्मा ने मिला करके बहुत ही भाषा से मिलकर के जो जिसको देश को निर्माण यो है, बिना आपा एकता का सूत्र में बांध कर तिरंगा का झंडा के नीचे राख वो चवा। काम के लिए थाने थोड़ा दिन पहले कलेक्टर साहब के द्वारा 15 अगस्त ने सम्मानित भी करे, तो दुनियादारी का मेरा मेन उद्देश्य है कि कहीं भी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान भाई हो बाकी सबकी खिदमत कर करके मैंने देवाड़ो वो ईश्वर अल्लाह है वो है देवाड़ो, लेकिन ई की बदलते अगर दुनियादारी में अगर अल्लाह अपन मालिक या ईश्वर अगर कोई अपने इज्जत दे रहा है सम्मान है तो वो भी हासिल करना चाहिए, साथ में समाज ने न्यू का ने मेरा जैन का काम करवाला है अपने समाज में जितना लोग है वे भी आगा कर करके मेरे से भी ज़्यादा लोगों की खिदमत करे सहयोग करे। बाको भी धन्यवाद करूँ अदा कर वो चाहूँ आपका चैनल के माध्यम से जो लोगों तक मेरे तक लोगों ने भेजी ही, मैं बाको बांका द्वारा ही काम कर रही हूँ। तो आज हरी कवरेज है थाने की लगी इन ऊपर भी थारा जगह विचार है बमाना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करा। इनके साथ में जलको सिकर चैनल ने सब्सक्राइब करने खाता जो नीचे रेड बटन है इन्हें दबा दो, पास में दिए बेल का बटन है वो भी दबा दो ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आवा है तुरंत थाने नोटिफिकेशन मिल जाए। इनके साथ साथ में जितना भी जलको सिकर का दर्शक है मैंने बता दूँ कि जलको जोधपुर है वो भी शुरू हो गया है, तो बिना भी है जो सब्सक्राइब कर लो। जय सिकर, जय राजस्थान।